The first and the second dissociation constant of the acid are given. The overall dissociation constant of the acid. तो हमारे पास एक अगेन डायबेसिक एसिड है, ठीक है? That means H2A first step में अपना एक एसिड दे रहा है, H plus दे रहा है, साथ में क्या बना रहा है? HA minus. तो इस स्टेप के लिए आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka1 की वैल्यू दी हुई है 10^-5, ठीक है? अब ये जो HA minus है सेकेंड स्टेप में अपना दूसरा H plus देगा और क्या बनाएगा? H plus and A minus 2. तो इस स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना दिया है? 5 × 10^-10. अब पूछा क्या है? तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड. तो ओवरऑल डिसोसिएशन जब हम लिखेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे H2A gives 2H plus A minus 2, है ना? ये लिखेंगे 2H plus निकलेंगे और A minus 2 बनेगा, ठीक है? अब आपको देखना है इस स्टेप का आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है? ओवरऑल जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है दैट वी नीड टू कैलकुलेट. तो अब आप सोचो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शंस को कैसे अरेंज करूं कि ये थर्ड वाली मिल जाए. ये फर्स्ट है हमारी और ये सेकंड है. तो फर्स्ट और सेकंड को कैसे अरेंज करूं कि थर्ड मिल जाए? साफ दिख रहा है हमें इन दोनों रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, ऐड. तो जैसे ही आप ऐड करोगे, ऐड करने से क्या होगा, ये HA- कैंसिल हो जाएगा. तो क्या मिलेगा? H2A gives 2H plus plus A minus 2, यही मिलेगा. तो अगर हम दोनों रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं, अगर रिएक्शंस ऐड हो रही हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई. ये केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा है, अगर रिएक्शंस ऐड होती हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट वो क्या हो जाएगा? Ka1 × Ka2 व्हिच इज 10^-5 मल्टीप्लाई बाय 5 × 10^-10 व्हिच इज 5 × 10^-15. सो ये जो है ये हमारा आ गया ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट. सो 5 × 10^-15 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? पहले हमने रिएक्शंस लिखी और उसने पूछा था ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट मींस H2A को हमने एक ही स्टेप में H+ लूज करवा दिया, तो वो तो इनको ऐड करने से ही होगा, ठीक है?